वैसे तो अब तक आतंकवाद की कोई निश्चित परिभाषा तय नहीं हो पाई है, लेकिन यूएपीए एक्ट के सेक्शन 15 के अनुसार भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा या संप्रभुता को संकट में डालने या संकट में डालने की संभावना के इरादे से भारत में या विदेश में जनता या जनता के किसी तबके में आतंकवाद फैलाने या फैलाने की संभावना के इरादे से किया गया कार्य आतंकवादी कृत्य है। अगर भारत सरकार की इस परिभाषा की रोशनी में हरिद्वार में हुए हालिया धर्म संसद को देखेंगे तो देश में हिंदुत्व के नाम पर उभर रहे एक आतंकवाद का भयावह चेहरा नजर आने लगेगा। जी हाँ, हिंदू आतंकवाद अब अफवाह की केचुल से निकलकर वास्तविकता के पटल पर तेजी से पसरने लगा है। हरिद्वार का हालिया धर्म संसद भारत में हिंदुत्व के नाम पर फैल रहे आतंकवाद का सबसे पुष्ट उदाहरण है। इस धर्म संसद में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को गोली मारने से लेकर मुसलमानों के नरसंहार और सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने तक की धमकी दी गई है। साथ ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हर संभव संघर्ष करने का भी आह्वान किया गया है। खून की प्यासी इस धर्म संसद का आयोजन हिंदू अतिवादी यति नरसिंहा नंद ने किया था। 17 से 19 तक उत्तराखंड के हरिद्वार में चले इस 3 दिवसीय हेट स्पीच सम्मेलन में अल्पसंख्यकों को मारने और उनके धार्मिक स्थलों पर हमला करने का भी आह्वान किया गया। वैसे तो इस तरह के आयोजन में भाजपा नेताओं का शामिल होना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय आतंक के इस समागम में वक्ता के रूप में शामिल थे। इसके अलावा निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर और हिंदू महासभा की महासचिव अन्नपूर्णामा, बिहार के धर्मदास महाराज, आनंद स्वरूप महाराज, गाजियाबाद स्थित दासना देवी मंदिर का कुख्यात पुजारी यति नरसिंहा नंद, सागर सिंधु महाराज जैसे अतिवादी हिंदू कट्टरपंथी इस समागम में शामिल थे। द क्विंट पर प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों के खिलाफ सशस्त्र हिंसा भड़काने के लिए शस्त्रमेव जयते का नारा देते हुए नरसिंहा नंद ने कहा, आर्थिक बहिष्कार से काम नहीं चलेगा, हिंदू समूहों को खुद को अपडेट करने की जरूरत है। तलवारें मंच पर ही अच्छी लगती हैं, ये लड़ाई बेहतर हथियार वाले लोग ही जीतेंगे। इस बीच सागर सिंधु महाराज ने जोर देकर कहा, मैं बार बार दोहराता रहता हूं कि 5,000 रुपये के मोबाइल खरीदने के बजाय 1,00,000 रुपये का हथियार खरीदो, आपके पास कम से कम लाठी और तलवार तो होने ही चाहिए। हिंदू राष्ट्र की स्थापना की मांग करते हुए आनंद स्वरूप महाराज ने कहा, अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनती है तो हम 1857 के विद्रोह की तुलना में कहीं अधिक भयानक युद्ध छेड़ेंगे। बिहार के धर्मदास महाराज ने कहा, अगर मैं संसद में मौजूद होता जब पीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है, तो मैं नाथूराम गोडसे का अनुसरण करता, मैंने उनके सीने में 6 बार रिवॉल्वर से गोली मार दी होती। निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर और हिंदू महासभा की महासचिव अन्नपूर्णा माँ ने कहा, अगर आप उन्हें खत्म करना चाहते हैं तो उन्हें मार डालें, हमें 100 सैनिकों की जरूरत है जो इसे जीतने के लिए 20 लाख को मार सकें। यहाँ हम सभी हिंदू अतिवादियों के भाषण का छोटा सा हिस्सा बता रहे हैं। हम जो बता रहे हैं इसके अलावा भी उन्होंने बहुत जहर उगला है, जिसका वीडियो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। तृणमूल कांग्रेस के नेता और आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने इस मामले में आयोजकों और वक्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कदम उठाया गया हो इसकी जानकारी फिलहाल मीडिया में मौजूद नहीं है। नफरत और नरसंहार के आह्वान वाले इस कॉन्क्लेव की जानकारी भले ही पुलिस तक ना पहुंची हो, लेकिन कॉमेडी शो का खतरा पुलिस तुरंत भाप जाती है। समाज के एक बड़े हिस्से को आतंकित करने वाले इस आयोजन के खिलाफ सरकार और प्रशासन द्वारा कितनी कार्रवाई की जाएगी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लगभग इसी तरह का प्रोग्राम राजधानी दिल्ली में उस व्यक्ति के नेतृत्व में आयोजित किया गया जो खुद एक टीवी चैनल चलाता है। जाहिर है ऐसे सांप्रदायिक तत्वों को भरोसा है कि इस खास किस्म के आतंकवाद की वजह से उन्हें दंडित नहीं किया जाएगा बल्कि सम्मानित किया जाएगा।